दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप का जो नया स्टेटस आया है उसके बारे में, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई है या जिन स्टूडेंट की नहीं आई है, तो सभी के लिए वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये जो है स्कॉलरशिप का नया स्टेटस जो अपडेट हो गया है, तो मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा आपको क्या स्टेटस है और क्या अभी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं या नहीं है, तो इस बारे में हम बताएंगे। दोस्तों आपको स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे आना है, इस वेबसाइट पे आना है सरकारी जॉब फाइंड.com पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या तो आप गूगल में सर्च करिए सरकारी जॉब फाइंड SARKARIJOBFIND, और ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर मिल जाएगी, इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2018-19, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज को आपको नीचे आना है, नीचे आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस दिख जाएगा। इस नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये रेड कलर के लिखे हुए हैं प्री मैट्रिक फ्रेश और प्री मैट्रिक रिन्यूअल स्टूडेंट चेक स्टेटस, तो इस स्टेटस में जो भी आपका हो, जिस भी आप जो है चाहे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट जो भी आप जिस भी आप क्लास से हो, उसके सामने के जो क्लिक हेयर का बटन है वो क्लिक करना है आपको। जैसे कि मान लीजिए मुझे चेक स्टेटस पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तो ये प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मैं बता दूं एक बार कि आप लोग समझ पाते हैं या नहीं, कि प्री मैट्रिक होता है कि जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट है, मतलब प्री मैट्रिक 9th-10th का होता है। तो जो फ्रेश स्टूडेंट है, मतलब कि जो पहली बार भरे हैं, जैसे आप कोई कोई स्टूडेंट 9th में नहीं भरता, डायरेक्ट 10th में अप्लाई करता है, तो प्री मैट्रिक होता है 9th-10th के लिए फ्रेश में, यदि आप पहली बार भरे हैं। प्री मैट्रिक ये भी 9th-10th है, रिन्यूअल मतलब यदि आप पहले भर के फिर रिन्यूअल किए हैं। और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है जो 11th-12th के हैं फ्रेश वाले, और ये पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट जो रिन्यूअल वाले हैं 11th-12th के, और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अदर देन इंटरमीडिएट मतलब कि और मतलब इंटरमीडिएट को छोड़कर सभी आ जाते हैं इसमें, चाहे BA हो, BSc हो, और यहाँ पे जो भी जितने भी ग्रेजुएशन के वाले हो गए, फिर ITI वाले, डिप्लोमा वाले हो गए, सभी आ जाते हैं। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट रिन्यूअल, तो ये भी जो फ्रेश और रिन्यूअल का हो गया, तो यहाँ पे जो भी हो आपको उसके सामने क्लिक करना है। तो जैसे कि मेरे पास पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश मान लीजिए मैं हूँ, तो उसके सामने क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नया जो है पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डाल के फिल करना है, तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस बदला है और क्या क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक रजिस्ट्रेशन संख्या आपको फिल करके दिखाता हूँ। आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या हो यहाँ डालेंगे तो आपका जो है स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा और वहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पे अपना ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे है, और पासवर्ड यदि भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये देखिए लिखा है आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ये इस तरह से मोबाइल में खोलेंगे तो मोबाइल में भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैं क्लिक कर दिया तो देखिए ये अब आपके आवेदन पत्र की स्थिति बता देगा। देखिए ये जो है आ गया। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो इनकी तरफ से दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट दिखाया जा रहा है। फिर स्टेटस यहाँ पे देखिए जो नया स्टेटस यहाँ पे अभी 6th तक आपको दिखाया जा रहा था कि वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। फिर करेंट स्टेटस ये नया जो है अपडेट हुआ है, स्कॉलरशिप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर RS 2400 एंड फिर रिम्बर्समेंट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड RS 4000। तो देखिए यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि मतलब यहाँ पे 2400 जो है स्कॉलरशिप आई है और 4000 जो है फी रिफंड हुई है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये BA के स्टूडेंट से, तो उनका जो है दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है ये नया स्टेटस अपडेट हुआ है, तो आप देख लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे दिखा रहा है या नहीं, जो भी आपकी स्कॉलरशिप आई होगी यहाँ पे दिखाने लगेगा, फिर इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे आपको अपना स्टेटस देखना है, और यहाँ पे स्टेटस देखने के बाद आपको देखना है कि क्या आपको इसमें आपको क्या दिखा रहा है। यदि आपके जितनी दिखा रहा है तो उतनी आपके अकाउंट में आई होगी, यदि नहीं आई है तो बिल्कुल फिर से अकाउंट में चेक कीजिए, बिल्कुल आ जाएगी। और दोस्तों स्टेटस में एक चीज और मैं बता दूं कि यदि यहाँ पे करंट स्टेटस में कुछ कुछ स्टूडेंट का प्रोसेसिंग लिख रहा है, प्रोसेसिंग एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड यहाँ पे लिख रहा है, मतलब कि आपकी जो स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग हो रही है और जैसे ही फंड होगा आपको रिलीज कर दिया जाएगा, तो ये भी आपको यदि लिख रहा है तो तब भी आपकी स्कॉलरशिप
आ जाएगी 100%। और कुछ स्टूडेंट का रिजेक्टेड भी है तो रिजेक्टेड वालों की तो नहीं आएगी, और कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग वालों को भी आएगी। धीरे धीरे स्कॉलरशिप अभी आ रही है, तो आप जो है नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करते रहिए इस तरह जैसे मैं बताया हूँ, और आप देखते रहिए और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप आएगी 100% यदि आपने सही सब कुछ भरा है। और एससी वालों के लिए जो है वो भी आएगी, वहाँ पे प्रोसेसिंग भी उनके सबके फॉर्म में लिख रहा है, तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। ये वाली लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ कि यहाँ पे यदि आपको बैंक खाता डालकर चेक करना है तो यहाँ पे बैंक खाता से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यही वेबसाइट खुलेंगे sarkarjobfind.com, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप स्टेटस बाय बैंक अकाउंट नंबर है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो है बैंक खाता डाल के चेक कर सकते हैं। कैसे, आपको नीचे आना है, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आपको वही था जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक जहाँ पे चेक करते थे उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है चेक स्टेटस विद बैंक अकाउंट, ये ब्रैकेट में सभी के लिए के सामने जो क्लिक किया है उसको क्लिक कर देंगे आप, तो एक नए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, PFMS बोला जाता है इसे। तो यहाँ पे अपना बैंक डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे दो बार, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तभी आपको दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे ये भी एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये मैं बैंक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो अकाउंट नंबर आपको जो भी है वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद आपका जो 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 सही सही अकाउंट नंबर डालना होगा, जैसे आप अकाउंट नंबर डालेंगे दो बार तो आपका जो भी यहाँ पे स्टेटस होगा सबको दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अकाउंट नंबर, तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने ही दिखाएगा। फिर उसके बाद इसको कंफर्म करना है, जो आपका अकाउंट नंबर है उसको कंफर्म आपको कर देना है, जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला होगा उसको कंफर्म करने के बाद आपको जो कैप्चा कोड फिल करना होगा, उसके बाद जो है आपको ये जो है दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं कैप्चा कोड फिल कर देता हूँ, देखिए। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए कब का है ये, ये देखिए 2019 का ये डेट दिखा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए 4,000 रुपये यहाँ पे सक्सेस हुआ है, 2,2400 रुपये यहाँ पे सक्सेस हुआ है। तो जो भी यहाँ स्टेटस में दिखा रहा था अभी, सेम टू यहाँ पे भी दिखा रहा है, जो बैंक खाता डालकर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ मैं चेक किया था, हाँ यहाँ पे चेक किया था। तो ये देखिए सेम चीज यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे भी ये पेंडिंग में दिखा रहा है, अभी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप ये भी चेक करके देखते रहिए कि क्या आपको कुछ पेंडिंग वगैरह तो नहीं दिखा रहा है, ये पेंडिंग वगैरह में है तभी आपके स्कॉलरशिप आने की उम्मीदें हैं, और यदि रिजेक्ट हुआ है तभी नहीं आएगी, बाकी सभी कंडीशन में आ सकती है स्कॉलरशिप। तो इस तरह से अपना देखिए जो है अपना जो है स्टेटस नियमित रूप से अभी भी चेक करते रहिए। यूपी स्कॉलरशिप का मैं डायरेक्टली दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस वेबसाइट को दोस्तों आप देखते रहें sarkarjobfind.com को, यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीजें हैं मिलती हैं, और यहाँ पे जो भी वैकेंसी आती है दोस्तों, कोई भी फॉर्म यदि भरना चाहते हैं आप तो कहीं वेबसाइट पे आप जो है इस पे भर दीजिए। यहाँ पे जो है सभी फॉर्म जो आते हैं सरकार की तरफ से सभी यहाँ पे तुरंत अपडेट यहाँ पे मिलते हैं। टॉप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है एक सेक्शन, तो यहाँ पे जो भी सभी फॉर्म आते हैं सब आपको मिल जाएंगे, यहीं से आप डायरेक्टली उन फॉर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यहीं से फॉर्म को भर भी सकते हैं। और यहाँ पे अदर ऑनलाइन फॉर्म का एक सेक्शन है यहाँ पे, तो इसमें और भी फॉर्म आते हैं अदर ऑनलाइन फॉर्म में, जैसे छोटी जो है कम पोस्ट के फॉर्म, जैसे 1,000-2,000 पोस्ट के, और यहाँ पे और ज्यादा पोस्ट के फॉर्म आते हैं इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पे एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की, और जो है संविदा के जो फॉर्म आते हैं, जो ऑफलाइन फॉर्म आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, कभी कभी संविदा वाले होते हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत बात इस वेबसाइट की है कि यहाँ पे सारी तरह की चीजें मिलती हैं, और कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट भी, एडमिशन फॉर्म, सारी चीजें मिल जाएंगी, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, संविदा वाले फॉर्म, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे sarkarjobfind.com को, आप वो जो है गूगल में sarkarjobfind लिखेंगे, उसके बाद आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी। तो आप इसे देखते रहें, इसे आप सेव करके रख लें। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।